Good morning, everyone. Myself, Puneet Agarwal. Today, I am explaining you all question answers of chapter number 5 using Word 2016. Now, I am explaining you very short answer type questions. Question number 1 is, write a keyboard shortcut key to create a new document. एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कराने के लिए हमें कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज करना चाहिए? आंसर इज कंट्रोल प्लस एन. यस स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो उस समय पर हमें कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज करनी चाहिए. इसका आंसर है कंट्रोल प्लस एन. हाँ बच्चों, ये कीबोर्ड शॉर्टकट होता है, इसका यूज करके हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज इन्वेंटेड द फर्स्ट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कब इन्वेंट हुआ था, यानी कब इसका आविष्कार हुआ था. वर्ड स्टार इन्वेंटेड इन 1979. सो स्टूडेंट्स, इट मींस सबसे पहला वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कब इन्वेंट किया गया. वर्ड स्टार इन्वेंटेड इन 1979. ये वर्ड स्टार नेम से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर था जिसे 1979 में इन्वेंट किया गया. तुम बंदर क्या हो, से बंद ही नहीं हुआ, प्लस हो गया. बस आ जाओ. सो नाउ स्टूडेंट्स, राइट आर कीबोर्ड शॉर्टकट की टू ओपन अ डॉक्यूमेंट. एक डॉक्यूमेंट को ओपन कराने के लिए हम कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज करते हैं? आंसर इज कंट्रोल प्लस ओ. अगर हम एक डॉक्यूमेंट ओपन कराना चाहते हैं तो उसके लिए कीबोर्ड से शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ का यूज करके हम किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करा सकते हैं. Now question number 4, name the toolbar which is placed on the left side of the title bar. उस toolbar का नाम बताइए जो कि title bar के left side में place होता है. Answer is quick access toolbar. Yes students, title bar पर left side में जो place होता है उस toolbar का नाम है quick access toolbar. Next question is question number 5, write the keyboard shortcut key टू क्लोज वर्ड डॉक्यूमेंट. अगर हम वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लोज करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की का यूज करेंगे? आंसर इज ऑल्ट प्लस एफ. ऑल्ट प्लस एफ ओ की का यूज करके वर्ड डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन नंबर 1 इज, write any two uses of word 2016. Word 2016 के कोई भी two uses हमें यहाँ पर बताने हैं. Answer is word helps us to type letters, stories, reports quickly and easily and present our text beautifully. It means Microsoft Word हमारी help करता है कि हम letter type कर सकते हैं, stories लिख सकते हैं, reports जनरेट कर सकते हैं क्विकली एंड इजीली. इसका मीन है कम समय में और बहुत ही आसानी से. एंड प्रेजेंट आवर टेक्स्ट ब्यूटीफुली, और अपने टेक्स्ट को बहुत ही अच्छी तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 के यूजेस हैं. अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में. सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ रिबन. रिबन क्या होता है? आंसर इज,
In Word 2016, the toolbars are replaced with the ribbon. It contains all the tools and the tabs. बच्चों, Word 2016 में toolbars को replace किया गया है ribbon के साथ. पहले जो toolbar हुआ करता था, उसकी जगह अब replace होकर के इसे हमने ribbon name दे दिया है. तो यहाँ पर it contains all the tools and the tabs. ribbon में सभी tools होते हैं और सभी tabs भी होते हैं. Now I am explaining you long question answers. Question number one is, write down the steps to create a document in Word 2016. Word 2016 में अगर हम एक document create करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या steps हमें follow करने होंगे? Answer is, to create a new document, follow these steps. अगर हम एक नया document create करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ steps follow करने होंगे. Step one, click on the file tab. It means, सबसे पहले हम file tab पर click करेंगे. The back stage view opens, appears. It means, back stage view हमारे सामने appear हो जाएगी. Step number two, select new option from the left pane. अब left pane से जा करके हम new option को select कर लेंगे. Then step number three, click on the blank document option in the right pane. और राइट पेन में जाकर के ब्लैंक डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे. तो स्टूडेंट्स, ऐसा करने से हम वर्ड 2016 में एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर टू, राइट डाउन द स्टेप्स टू सेव अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड 2016. वर्ड 2016 में अगर हम एक डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे? आंसर देखिए, टू सेव योर डॉक्यूमेंट इन वर्ड, फॉलो दीज स्टेप्स. अगर हम वर्ड में अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. यस स्टूडेंट्स, अगर हम वर्ड 2016 में एक डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. आंसर इज, टू सेव योर डॉक्यूमेंट इन वर्ड, फॉलो दीज स्टेप्स. अगर हम वर्ड में अपना डॉक्यूमेंट सेव करना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे. स्टेप वन इज, क्लिक ऑन द फाइल टैब. इसके लिए हमें फाइल टैब पर क्लिक करना होगा. एंड इन्फो स्क्रीन अपीयर्स, और ऐसा करने से एक इन्फो स्क्रीन हमारे सामने अपीयर हो जाएगी. स्टेप टू, सेलेक्ट सेव और सेव एज फ्रॉम द लेफ्ट पेन. लेफ्ट पेन से हम सेव और सेव एज, इनमें से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. स्टेप थ्री, सेलेक्ट दिस पीसी ऑप्शन फ्रॉम द सेंटर पेन. देन क्लिक ऑन ब्राउज ऑप्शन, और इसके बाद हम सेंटर पेन से दिस पीसी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे. Then click on browse option. उसके बाद हम browse option पर click कर देंगे. Step 4, the save as dialog box opens. ऐसा करने से आपके सामने save as dialog box open हो जाएगा. Select the location of the file, और हम file के location को select कर लेंगे. Type a name for your file in the file name box. और file name box के अंदर अपनी file का जो भी name हम देना चाहते हैं, ऐसे name type कर देंगे. Step 5, click on save button. और save button पर क्लिक कर देंगे. ऐसा करने से यहां पर हमारा डॉक्यूमेंट वर्ड में सेव हो जाएगा. सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज जो भी मैंने क्वेश्चन आंसर्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, अच्छे से सभी को समझ आ गए होंगे. अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो, तो आप मेरी इस वीडियो को वॉच करके यहां से उन डाउट्स को दूर कर सकते हैं और मुझे किसी भी समय कॉल कर सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.